पुन पुन सीता पुन पुन सीता बंदो बार बार जगदीश जिसमह अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों करे अनुराग सतगुर मम बेरी कटहो निज बेरी परचार एह बेरी होए पाव सफल बिन बेरी कर पार श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच बिकार तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार एकंकारा सतगुरु तेहे प्रसाद सच हो वाहे गुरु जी की फतेह बिघ्न विनाशन सोए वाहे गुरु जी के फतेह बिघ्न विनाशन सो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा साधु तर आनंद उर महाराज के स्थान बिचरत होते समीप कित कीन पान जल आन साधु तार आनंद और महाराज के स्थान सतगुरु गरीब नवाज दीन दुनिया दे मालक चवर शतर तखत दे मालक समरथ सतगुरु परतख सतगुरु दीन दयाल कृपाल अंतरजामी पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर वाहेगुरु अकाल पुरख जी दा सरगुण स्वरूप दासां गरीबां सिखां सेवकां साढ़े सारिया दी इज्जत रखण वाले पत रखण वाले दया करन वाले रहमतां करन वाले बख्शिशां करन वाले हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर लोक परलोक विच राखी करन वाले सच्चे पातशाह गरीब नवाज धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बड़े ही प्यार नाल तुसी जिन्नियां भी संगतां सतगुरु जी दे चरणां विच बैठे हो दोवें हाथ जोड़ के गज के कहो जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दर्श परस कीने गुरु ग्रंथ महाराज जूके पाप जन्म अंतर के पुन रूप धारते गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दर्शन कीतियां जन्मां जन्मां दे पाप जिहड़े ने ओह पुन्नां दे रूप दे विच बदलदे ने आप जी बड़े ही प्यार दे नाल सतगुरु जी दे दर्शन कर रहे हो
दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाए। सो हुण आपां लड़ीवार कथा सरवण करनी है। धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब प्यार दे मुजस्मे बहुते प्यार दे धनी सभना नू प्यार बख्शन वाले सच्चे पातशाह महाराज जी की महान पवित्र लड़ीवार कथा आप जी बड़े प्यार दे नाल हर रोज़ सरवण करते हो। संगत जी कल तुसी सरवण किया सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज जी दे प्यार दे वेच भाई साधु ते भाई रूपे दी साखी जी प्यो पुत गर्मी दे वेच जंगल दे वेच दोपहर दे समय काम कर रहे है। पिता नू प्यास लगी पुत प्याण पानी पियाउण वास्ते जदों कुजे नू हथ लाउंदा भाई रूपे ने जदों कुजे नू हथ लाए ते पानी बहुत ज़्यादा ठंडा सीगा जी। पानी दा कुजा हाथ विच फड़ के विचार कीती मना ये ते गुरु जी दे छकण दे योग हैगा। हम तो अहें मेहनती लोग अस शुभ वस्त ना हमरे योग। असी मेहनती बंदे हाँ इहो जिहा वधिया पानी ते गुरु जी दे पीण दे योग है। पिता जी नूं आखिया भाई साधु ने सत बचन किया भी गल तो मेरे पुत दी ठीक है बहुत ज़्यादा गर्मी कम कर रहे दोपहर का समा तीन वरी प्यास ने जोर पाया तो तिने वरी पानी रख दिता जी भी पानी गुरु हरगोबिंद साहब छकणगे। चलो आपां सीधी पंजाबी च पानी कह दें सत्कार नाल जल कह दें जी। हाँ जी घर चापां बहुते पानी कहने हैं जी जल तो कोई विरला ही गुरमत वाला बोलता जी। हाँ जी पानी पीना यो ही पुछते सारे जी। पुत नू प्यो कहन लगा पुत्र गुरु हरगोबिंद साहब जिथे बैठे ती को दूर है ती को दूर है महाराज इन्नी छेती किवें आउणगे ते पानी पीणी आउणगे। ते पुत ने कहा पिता जी ढिली गल नहीं करी दी तुसी आप ही ते कहा कि गुरु साहब समर्थ ने मालक ने बख्शिशां दे दाते है ते समर्थ जिहड़े सतगुरु ने फिर वह आ भी जाणगे पहुँच भी जाणगे। इस करके पिता जी भावना रखो तीन बार प्यास ने जोर पाया पर तिने वरी जल नहीं छकिया। कल भी बेनती की सी अज फिर करदा भेटा तो असली यो ही हैगी है जी। असली भेटा चढ़ाई भाई साधु ने ते भाई रूपे ने प्यास दे विच बेहोश हो चले जी प्राण निकल चले है। उधर गुरु हरगोबिंद साहब ठंडी थान ते दोपहर दे समय बैठे है। महाराज ने सिखां नू हुकम कीता भी हल्ले नाल ही घोड़े ते काठी पाओ भाव बड़ी छेती कराई। सच्चे पातशाह कल्ले ही एक खिन विच जंगल विच पहुँच गए एक खिन विच दी ते पहुँच के ना गुरु साहब उच्ची उच्ची कहण जदों महाराज ने वेख लिया पहला दोवें प्यो पुत पानी दे करके बेहोश होए पए आ जी। महाराज उच्ची उच्ची कहण लगे भाई सानू प्यास बड़ी लगी पानी पिया दिओ बड़े चिर दा पानी लभ रहे। पहला साधु ने सुनिया अखां खोल के वेखिया भाई साधु ने भी इत्थे गुरु हरगोबिंद साहब ने अपने पुत नू उठाया दोवां प्यो पुत्तां ने उद्यम कीता ते गुरु हरगोबिंद साहब इक्को ही गल बार बार कह रहे हैं सानू बड़ी प्यास लगी है जल छकाओ कि तो जल नहीं मिलिया। ते दोवें प्यो पुत कहन लगे महाराज अहीं ते पहले ही तुहाडे लई जल तैयार रखिया। भाई रूपे ने अपने गल का कपड़ा ही ना जेड़ा जी वो ला के धरती ते बिछा के गुरु जी नू बिठाया जी। वधिया वधिया चादरां ते महाराज रोज ही बैठते हैं जी। मखमल दी सेजा ते तां रोज ही बैठते हैं पर इन्ना ज़्यादा प्यार जो भाई रूपे ने विखाया प्यार इहो जी सेजा ते नहीं कदी बैठे होणगे जी।
और मेरे ख्याल नाल गुरु हरगोबिंद साहब ही बैठे है, होर कोई बैठा भी नहीं। कभी किसी ने अपना इन्ना प्यार विखाया ही नहीं जी, भी अपने ही कपड़े ला के धरती ते विछा देने ते कहना मेरे स्वामी जी मेरे सतगुरु जी इत्थे बैठो। इन्ना प्यार विखाया ही नहीं किसी ने, पत्तियां दा डूना बना के दिता सच्चे पातशाह नूं, पत्तियां दे डूने दे विच जल पा के दिता सतगुरु जी। और जल छक के पता की कहिंदे आ, जल ते बड़ा छकिया सी पर एहो जिहा नहीं छकिया, इन्ना ठंडा, इन्ना ठंडा। ये तो इंज है जिवें शोरा पा के ठंडा किया हुंदा, भाव बर्फ पा के ठंडा किया हुंदा। ते महाराज ने बड़े आशीर्वाद बख्शिश करने अज, वह हुण तुसीं कथा सुननी है। महाराज प्यो पुत्र नूं कहण लगे हुण तुसीं भी पाणी पी लो जी, चेता रखियो। प्यास गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं नहीं लगी जी, प्यास लगी सी प्यो पुत्तां नूं, भाई रूपे नूं ते भाई साधो नूं। पर जिथे उन्हां नूं पाणी पीण दी प्यास सी ना, उरे तो किते वध उन्हां नूं इह प्यास सी भी गुरु जी जल छकण। ते गुरु जी अपनी प्यास बुझाउण वास्ते नहीं इत्थे आए, महाराज उन्हां दी प्यास बुझाउण लई पहुंचे, भी जे असीं ना पहुंचे ते उन्हां दे शरीर छुट जाने है। किन्नी प्यार दी खेड है, पानी कोई लैके आया, प्यास किसे नूं लगी, पानी किसे ने पीता तो प्यास किसे दी बुझ गई जी। इहनूं कहिंदे प्रेम दी खेड, सात संगत जी प्रेम दी खेड है। हुण आपां अगों कथा सुणीए। जंगल दे विच सच्चे पातशाह बैठे है, तीन ही जने है, एक सतगुरु जी, एक भाई साधु ते एक भाई रूपा जी। धरती दे उत्ते सच्चे पातशाह बैठे है, भाई रूपा नंगे पिंडे ही महाराज के सामने खलोता जी। हुण ओह कथा सुणीए, प्यार नाल गद के कहो धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। सब संगत गद के आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। हाँ जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। दोहरा साधु धर आनंद उर महाराज किस थान। भाई साधु दे मन च बड़ा ही आनंद बन पिया, बड़ा ही आनंद बन गया भी गुरु जी आए ने। ते भाई साधु जी महाराज नूं पता की पुछदे, गज के आखो वाहेगुरु, हाथ जोड़ के कहिंदे सच्चे पातशाह किस स्थान ते आए सीगे, इत्थे लागे ही किते आप जी आए सीगे। विचरत होते समीप कित कीन पान जल आन। बड़ी छेती आ के जल आप जी ने छकिया, महाराज आप जी किते लागे ही आए सीगे इत्थे। चौपाई उचित आप के हमने जाना, तुम हित धरियो क्यों नह पाना। ते सात संग जी, भाई साधु जी आप ही दसन दे जी, सच्चे पातशाह ये जल असी आप जी वास्ते ही जाने असी, इस करके तुम हित धरियो कियो नह पाना, तुहाडे वास्ते जल रखिया आपां नहीं सी छकिया जी। चलो सिख बोल के दसदा, पर चेता रखियो बिन बोलिया सब किछ जान, सब किछ जानदा। कृपा धार कर पुरवी आस। बड़ी कृपा कीती सच्चे पातशाह, आप जी इत्थे आए पानी पीण वास्ते आए, साडी ते आस पूरी करती ना महाराज। दास जान कर पहुंचे पास। क्यों ना आउंदे सच्चे पातशाह, सेवक भी ते तुहाडे आ, सिख भी ते तुहाडे आ। कल कथा च आया सी ना, गुरु हरगोबिंद साहब अपने सिखां नूं दुखी नहीं वेख सकदे जी, इहो जिहा हिरदा च सच्चे पातशाह जी दा। सुन सतगुरु बिरतांत बखाना, तीस कोस हम कीन पायाना। ते सच्चे पातशाह फिर सुन के कहन लगे, भाई साधु लागे नहीं सी आगे, असी ती को दी दूरी दे उते बैठे सा, ती को दी दूरी दे उते। ताए पीवन नीर तुम्हारा। बस जेड़ा पानी रखिया सी ना साडे वास्ते, एहो ही छकण वास्ते इन्नी दूरों छेती आए आ,
जेठ दुपहरी अब कुछ ढारा गज के आख महाराज कहते इनी जेठ की दुपहर लगी पई ते तुही प्यासे बैठे सानू जल छकाउण लई कार ते खानन की अब त्यागो हुण महाराज मेहरां दियां झड़ियां लाउण लगे जी गज के आखो वाहेगुरु वाहेगुरु महाराज कहते हुण अज तो तरखाणा वाला काम छड दियो लकड़ा पहला वढ़दे सीगे फिर घर च लै के आउंदे सी मेज कुर्सियां बनाउंदे सीगे जी अज तो ये काम छड दियो कहण लगे करहो देग गुर की अनरागो अज तो तुसी लंगर लाओ बड़े प्यार दे नाल गुरु दा ध्यान धर के लंगर लाओ कहण लगे हुण वेखो ना जी जेड़े आप मसा रोटी छकदे ओ लंगर किवें लाउणगे जी पर महाराज कहण लगे अज तो तुसी लंगर लाओ लंगर ते पहुँच वाला ही बंदा ला सकदा जी लंगर ते अमीर बंदा ला सकदा गरीब बंदा कित्थों लंगर लाउंदा जी ये कहण दे विच ही गुरु साहब ने उन्हां नूं अमीरी दे दित्ती जी हाँ जी हम प्रसन्न बार जाचन की जय महाराज कहण लगे असी तुहाडे ते बहुत खुश हाँ बहुत खुश हाँ कुछ मंग लो साडे कोलों अभिलाखत सुख पाए सो लीजै गज के आखो मंगो जेड़ा सुख चाहिदा दसो महाराज कहण लगे संगत जी ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲੈ ਹਾਂਜੀ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰ ਜੋਰ ਉਚਾਰੇ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਿੱਤੇ ਜੀ ਆਨ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਉਦਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੋ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਲ ਛਕ ਲਿਆ ਹੋਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜੇ ਜਲ ਛਕਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੋ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਹੋ ਨਿਜ ਸਿੱਖੀ ਅਬਦਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਹਾਨ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹੋ ਨਿਜ ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਅਬਦਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਓ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋ ਜਾਓ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਪਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਅੰਤਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੱਥ ਜੋੜੀਏ ਸਾਰੇ ਦੇਹੋ ਨਿਜ ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਅਬਦਾਨ 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 ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖੋ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਹਾਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਸਿੱਖ ਪਦਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤੁਮਰੇ ਚਰਨਨ ਕੋ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਵੇ ਵੇਖੋ ਪਿਆਰ ਤੇ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਨ ਦਿਆ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀ ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜੇ ਬਿਸਰੇ ਨਹਿ ਕਬ ਦਾਤਾ ਸ਼ੇਮ ਹੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਭੁੱਲੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ
ਜੋ ਤੁਮ ਟਹਿਲ ਦੇਹੋ ਹਮ ਤਾਈ ਕਰਹਿ ਦੇਗ ਨਿਤ ਬਨੋ ਸਹਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਲੰਗਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਰੋਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਪਰ ਨਾ ਬਾਂਛਾ ਹਮਰੇ ਕੋਈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ। ਕਰਹਿ ਅਚਾਵਨ ਦੇਹੋ ਤੁਮ ਜੋਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਜੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਦਵੋਗੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁਰ ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਹੈ ਨਾ ਮੂੜੇ, ਮਤਸਰ ਅਗਨ ਜਰਹਿ ਨਿਤ ਕੂੜੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੁਲਕਾਣੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਲਕਾਣੀ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ। ਤੁਲਕਾਣੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਕਿਵੇਂ ਛਕਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਿੰਨ ਮਹੋਂ ਬਾਸ ਅਹੈ ਦੁਖਿਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰ ਦੁਖੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਈਰਖਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਲੰਬ ਤੁਮ ਅਹੋ ਹਮਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੋਂ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਮ ਤੁਮ ਜਿਮ ਰੱਖੋ ਤਿਮ ਰਹਿ ਗੁਸਾਈ, ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿ ਪੈਣਾ। ਬਿਨਾ ਸੇਵ ਅਪਰਨਾ ਚਤੁਰਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲੰਗਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਧੀਰਜ ਕਹੈ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਈਰਖਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਚੰਗੇ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਰ ਦੋਖੀ ਤੁਮਰੇ ਨਹਿ ਰਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਖੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਬੜਾ ਬੜਾ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਵਿਗੜ ਰੂਪ ਹੋਏ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਸੰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੋਖ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਨਿੰਦਕ ਤੇ ਦੋਖੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਜੀ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾਂ ਹਤਿਆਰਾ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰਾ। ਨਿੰਦਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਦੋਖੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਇਉਂ ਬਿੱਲ ਲਾਏ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਬਿਹੂਣ ਮਛਲੀ ਤੜਫੜਾਏ, ਮਛਲੀ ਤੜਫੜਾਏ। ਸੰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਜ ਤੜਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਛਲੀ ਤੜਪਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਤੇ ਵੇਖੋ ਨੈੱਟ 'ਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਮਛਲੀ ਤੜਪਦੀ ਹੋਈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰਦੀ ਜੀ ਉਹ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦਾ ਦੋਖੀ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੋ ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹਨੇ ਸੰਤ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸੰਤ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਚਾਹਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੜਾ ਨਿਤਨੇਮੀ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਔਗੁਣ ਹਰ ਇੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ?
एक निंदक बंदे नूं उहदा छोटा जिहा अवगुण पता लग गया जी, छोटा जिहा अवगुण जी। ते पता उहने की कीता जी, निंदक ने उहदी मशहूरी कर दित्ती जी, भी इह ते इहो जिहा हैगा, इह ते इहो जिहा हैगा जी। बड़ी जय जयकार सीगी उस निंदक दी जी, लोग बड़ा मनदे ही उहनूं, जिधर जांदा ही बस धुम्मां पैंदियां सी उहदे नाम दियां, मैं नाम नहीं लैणा जी। पर मैं अपनियां अखां नाल वेख्या, घर दे विच पिया, मंजे ते पिया, पतला जिहा हो गया, तड़पन दिया, ते परिवार दे जीआं नूं लागे आउण दा हुकम नहीं हैगा जी। ते फिर उस समय नाल शरीर छड गया, पहला ही समय तो पहला ही शरीर छड गया जी। संत का दुख इउं बिल लाए ज्यों जल बिहून मछली तड़पे। ते उस गुरमुख दी अजे भी चढ़दी कला जी, जिहदे बारे उहने आख्या ना जी, उहदी अजे भी चढ़दी कला ही है जी। रब वरतदा जी। महाराज कहिंदे भाई साधु भाई रूपे, जिहड़ा तुहाडे नाल बुरा करेगा उह रहेगा ही नहीं कहण लगे। उजड़ जाएगो ग्राम महाना, वो पिंड ही उजड़ जाएगा। गज के आखो हुण वो पिंड नहीं वसों वाला हैगा जी, वो पिंड ही उजड़ जाएगा जिहड़ा तुहाडे नाल ईरखा करदा। रचो ग्राम अपनो शुभ थाना, तुसी कहिंदे साडे पिंड वाले साडा साथ नहीं देंदे, तुहाडा पिंड ही नवां वसा देनी है। गज के आखो धन धन श्री गुरु हर गोबिंद साहिब जी महाराज। वेख लो गुरु दियां दातां, महाराज कहिंदे तुहाडा पिंड ही नवां वसा देने आ, होर दसो कहिंदे। वध है बंस तेरो तह रहै। महाराज ने फिर भाई साधु नूं कहा भी तेरा वंश बड़ा वधेगा। हांजी बहुत बड़ाई बिदत सो लहै। समय दे नाल संसार दे विच तेरे वंश दी बड़ी वड्डी वड्याई होएगी, लोक सिफतां करिया करनगे। सुन गुर ते साधु पुर गयो, गुर बिरतंत सब भाखत पयो। गुरु साहब तो बचन सुन के भाई साधु जी अपने घर चले गए जी। हांजी गुर बिरतंत सब भाखत पयो। ते भाई रूपा महाराज दे कोल ही आ जंगल च, साधु घर गया छेती, अपनी घरवाली नूं जाके दसिया, भागां वालिए बाहर जंगल दे विच गुरु हरगोबिंद साहब कल्ले ही आके बैठे ही, साडे वास्ते आए, महाराज बड़े वर दे रहे ने। सुनत भार जा उर हर खाई। ओ पत्नी सुनदिया सार बड़ी खुश हुई, अच्छा महाराज कल्ले ही आए बैठे है। कहन लगे हां हित दर्शन पत के संग आई। ओ फिर अपने पति दे नाल ही महाराज दे दर्शन करन वास्ते आई, भी मैं भी दर्शन करने है। देखत ही पायन पर परी, वेखदियां सारी सतगुरां दे चरणां ते पै गई। हुण चेता करो ये ओही बच्ची है, विआह वाला दिन सी, डोली सोहरे जान दई सीगी, विआह वाले कपड़े पाए सी, उदों भी आसा जी दी वार विच आई सी ते महाराज दे चरणां ते पै गई सी। ये ओही बच्ची है, आई महाराज दे चरणां च पै गई। धन गुरु हमरी कुल तरी, सच्चे पातशाह तुसी धन हो। आखो धन धन श्री गुरु हर गोबिंद साहिब जी महाराज। सच्चे पातशाह तुही धन, तुही ते साडी कुल तार दिती। भाई साधु ने दसिया ना, महाराज ने कहा तुहाडा परिवार बड़ा वधेगा। हम सब दीनन की को सुने, साडे वर्गे गरीबां दी कौन सुनदा ई। कढ़ता सी भाई साधु नूं उहदे पिता ने घरों बाहर कढ़ता सी, एक कल्ले हो गए सीगे, सारा पिंड ही ईरखा करदा सी, महाराज साडे वर्गे गरीबां दी कौन सुनदा ई। अस कारज रावर को बने, ये आप जी नूं ही बाण आउंदा, ये तुसी कर सकदे हो। रूप चंद को हेरन कीन, गरीब नवाज महाराज ने रूप चंद वल वेख्या, भाई रूपे वल वेख्या जी, ओ नंगे पिंडे खलोता जी सामने। बस्त्र शस्त्र अपने गुरदीन, इनू कहिंदे प्यार। गुरु जी ने वेख्या रूपे ने अपने शरीर का कपड़ा चोला ला के साडे हेठां विछा दिता, आप नंगे पिंडे है। गुरु जी ने पता की किया,
शाही चोला पाया सी, शाही चोला जी, एंड कपड़े पाए होंगे कुत्ते भी चोला पाते जी, दरबार साहब के सिंह साहब पाते ना, वह तो चिट्टे रंग का होंगे, पर योजे शाही चोले होंगे जी। भाई रूपे ने गुरु साहब करके अपना चोला लाया, तो महाराज ने फिर अपना चोला ला दिता जी। अपना चोला लाया तो वह चोला दिता भाई रूपे नू, ते शस्त्र ला के भाई रूपे नू दे दिते जी। वेख लो, सिख ने अपने कपड़े गुरु वास्ते लाए, गुरु जी ने अगों सिख लई ला दिते जी। बख्शिशां गुरु ड्रौली ते जब ताए, गज के आखो गुरु साहब सच्चे पातशाह महाराज जदों ड्रौली तो आए सी ना जी, इस पासे विधि चंद सुन जीन पवाए, ते बाबा विधि चंद जी ने उसे वेले घोड़िया ते काठियां पवाइया भी महाराज नू लभिए सच्चे पातशाह किस पासे चले गए। प्रबल तुरंगम तब हूं प्रेरा, महाराज दे घोड़े दे पौड़ां दी पछाण करदे होए वो अपने घोड़े उस पासे दड़ा दड़ा रहे सीगे। कित तवाए कित पोइए शोरा, महाराज गरीब नवाज जी दे घोड़े दे पौड़ां दे मगर मगर घोड़े लैके आ रहे सीगे। पुन पेंदे खां आदिक सुने, पेंदे खां ने भी सुनिया भी महाराज कल्ले ही तुर पए सच्चे पातशाह, कल्ले ही तुर पए जी। चढ़े तुरत शस्त्रन सो सने, पेंदे खां ने भी शस्त्र सजाए, ते पेंदे खां भी ऐ शस्त्रां नाल लैस हो के गुरु जी नूं लभण तुर पिया जी। सोझी नहीं गुरु कित गए, हुण इह नहीं सी पता भी महाराज गरीब नवाज किधर गए है, सच्चे पातशाह किहड़े पासे ने। सुन सुन सुपट अरुडड पए, आखो वाहेगुरु। पेंदे खां बाबा जी, बाबा विधि चंद साहब जी ते होर सिख सारे घोड़े दौड़ा के लभण लग पए भी महाराज किधर गए। नह को किस हूं संग मिलावै, इन्नी छेती सी सारे सिखां नूं भी पेंदे खां नूं नहीं चेता भी मैं फौजां लैणियां, बाबा विधि चंद जी नूं नहीं चेता भी मैं पेंदे खां नूं लैणा है, वाहो दाही सारे ही भज्जे आ रहे जी। खोज देख कर हायन तवावै, आगे पीछे लेहा देहो, आवत चमू चढ़ी गुर ने हो। लो जी गुरु जी दे प्यार विच गुरु जी दी फौज महाराज नूं लभन दई है, ते अगे पिछे ने सारे जी। कुशक दिन रहे विधिया आयो, हुण दुपहर ढल गई जी, ते लभदियां लभदियां उत्थे बाबा विधि चंद जी पहुंचे जी। पहला दर्स देख कर सीस निवायो, दर्शन कीते उस वेले घोड़े तों उतरे जी महाराज, उवें ही बैठे है सच्चे पातशाह, भाई रूपे दे चोले दे उत्ते बैठे है। बाबे विधि चंद जी ने वेख के मत्था टेकिया, तुही भी टेको, धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज, धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब। निज सिखन संग बाक बखानत, इन हित ताए रिदे पछानत, हाँ जी महाराज एकल ही आए। ते महाराज ना अपने सिखां नूं कहण लगे, बाबा विधि चंद जी नूं, तीनों ही खलोते सी मां पुत प्यो, महाराज कहिंदे इन्हां करके छेती आए सां, इन्हां करके छेती आ गए हाँ। ते संगत जी, बाबा जी कहिंदे महाराज एकल ही आए, महाराज आप जी कल्ले ही आ गए। तुरत चढ़ियो मैं नह दरसाए, इन्नी छेती कल्लियां ही आ गए सानू भी नहीं नाल लिया। सतगुर कहियो ना मैं इम आवत, महाराज कहिंदे विधि चंद जी जे असी छेती इत्थे ना आउंदे सिखन प्राण अंत होए जावत, इन्हां दी शरीरक मौत हो जानी सीगी, पानी तो प्यासे इन्हां दे प्राण निकल जाने सीगे, जे असी ना आउंदे इन्हां दे प्राण निकल जाने सी। इन्हों उबारन के हित ताए, इन्हां नूं बचाउण वास्ते तेज रफ्तार नाल आए आ। जेठ दोपहरी मह उतलाए, जेठ दी दोपहर बड़ी गर्मी, पर मर कहिंदे इन्हां नूं बचाउण वास्ते आए आ।
दया सिंध तहते चढ़ चाले, साधु सुत बनता जुत नाले, गुर के शस्त्र बस्त्र जो लिए, सो सुधार सिर धारण किए। सच्चे पातशाह महाराज उतो चलन लगे जी। महाराज ने शस्त्र ते बस्त्र भाई रूपे नू दिते सी, भाई रूपे पाला चौला दिता भी, पाला धारण कर लै, पर भाई रूपे ने ओ महाराज का चौला तैं किया, उरे उत्ते शस्त्र रखे ते अपने सिर ते रख ले जी। आखो वाहेगुरु, गज के गुरु जी दे बस्त्रां दा शस्त्रां दा सत्कार हैगा जी। चलत संग मैं प्रभु निहारे, मगर मगर तुर पए जी। गुरु जी ने देखिया, कृपा सहत बिकसंत उचारे। बाबा बिधि चंद जी नाल ने सच्चे पातशाह घोड़े ते जा रहे है। महाराज वेखदे भी रूपे ने कपड़े नहीं पाए, बस्त्र नहीं पाए, बस्त्र शस्त्र सिर ते रखे है। महाराज वेख के मुस्कुरा पे ते मुस्कुरा के कहन लगे, रूप चंद तैं बस्त्र ना पाए। ते दुनिया रूपा कहिंदी सी, पर महाराज रूप चंद ही कहिंदे हैगे जी। असल च महाराज पूरा नाम ही लेंदे है जी। महाराज कहिंदे रूप चंद तैं बस्त्र ना पाए, तू कपड़े नहीं पाए। दिए शस्त्र जो अंग ना लाए, तेनू बस्त्र दिते शस्त्र दिते सजाला अपने शरीर दे उते, सिर पर धार उठाए कर चाला, तू सिर ते रख के नाल नाल तुर पिया। क्यों ना पहर पा बीर बसाला, पा तू ही महाराज कहिंदे जोधा लगेगा, जोधा लगेगा। रूप चंद कर जोर उचारा, ते रूप चंद दे सिर ते टका के ना बस्त्र महाराज दे ते शस्त्र हाथ जोड़ दे जी। सुनियो प्यार संगत जी, कई बारी सारे हुक्म मनन वाले नहीं होंदे जी। आखो वाहेगुरु। महाराज परखदे आ भी के इहदी अपनी भावना की हैगी आ जी। हाँ जी, मैं दासन को दास बेचारा। भाई रूप चंद जी कहते, सतगुरु मैं ते तुहाडे सेवकां दा सेवक हैगा। तुश जीव मतमंद मलीना, माड़ी मत वाला हाँ, तुश हाँ, तुश दा मतलब छोटा जिहा हाँ। भगत ज्ञान गुण गण ते हीना, ना मेरे बिच भगती ना मेरे बिच ज्ञान ते ना कोई गुण हैगे है। वेखो भाई रूपा जी किन्नी निम्रता वाले ने जी। भगती दे ते भंडारे भरे पए जी भाई रूपे विच जी। ना मेरे च भगती ना मेरे च गुण ते ना कोई ज्ञान हैगा जी। ते जिन्ना च नहीं हैगा ना जी, वह जोर लाउंदे फिरदे भी लोकां नू पता लग जावे असीं भगत हैगे, असीं ज्ञानी हैगे। हुंदे कख भी नहीं जी, ओह कख भी नहीं हुंदे जी। पर मेरे वर्गा जोर ला देंदा भी लोकां नू पता लग जाए एक बारी। ते जिन्हां दे विच सब कुछ हैगा वो कहिंदे महाराज अहीं है ही कख नहीं। सब जग करता हरता स्वामी, सच्चे पातशाह तुसी सारे जगत दे करता हरता हो। हां जी, चाहो सो करहो अंतर जामी। करता हरता हो, करण वाले भी हो ते खत्म करन वाले भी हो, जो चाहो वह कर सकते हो। बस्त्र शस्त्र जो तुम तन के रे, आप जी साडे मालक हो, तुसी साडे सतगुरु हो, ते जेडे तुहाडे शरीर दे बस्त्र ने, जेडे आप जी दे शस्त्र ने। सुखद सो पूजन मान है मेरे, ओ मैं किवें पा सकदा है, मैं ते नौकर हां ते नौकर मालकां दियां चीज़ां किवें पा सकदे ने। ए बस्त्र ए शस्त्र इन्हां दी ते मैं पूजा करांगा पूजा। किन्ना वड्डा सत्कार है जी गुरु जी दे रुमालियां दा, गुरु जी दे बस्त्रां शस्त्रां दा किन्ना सत्कार होना चाहीदा जी। सिर ते रख लिया सारा कुछ है ना, महाराज मैं नहीं पा सकदा, हुण पाउणा ते हुक्म सी महाराज दा। भाई रूपे पा,
पर भाई रूपे ने ज्यादा श्रद्धा विखाई, होर श्रद्धा विखाई। इति बेदबी किम बन आवै, इनी बेदबी मैं गरीब आप जी का बस्त्र पावा, आप जी का शस्त्र सजावा। तुम सम जान पूजबो भावै, जिन्ने पूजनीक तुसी हो ना मेरे लिए, महाराज ओने ही पूजनीक तुहाडा बस्त्र ते शस्त्र भी है। कज के आखो जिन्ने पूजनीक तुसी ओने ही शस्त्र बस्त्र। अज भी तख्त साहबान ते बस्त्र शस्त्र सुभाए मान ने जी महाराज दे। एक खुशक बंदा जिदे अंदर भावना नहीं है, वह एक गुरमुख दे कोल खलोता ते गुरमुख ने गुरु नानक साहब जी दे सरूप दे अगे नमस्कार कीती, हाथ जोड़ के जी हाथ जोड़ के ना नमस्कार कीती महाराज दे सरूप अगे जी। हुण इहनू साडे वीर मूर्ति पूजा च लै लैंदे जी, पर उस बंदे नाल तर्कवादी ही वह कहिंदा भी इह की काम तुसीं फोटो नू मत्था टेक लिया। तो प्रेम वाला कहिंदा जे तू गुरु नानक साहब की फोटो का सत्कार नहीं कर सकता तो गुरु नानक साहब का भी नहीं कर सकता, तू उन्हां दा कित्थों करेगा, है उन्हां दी है। कहिंदा कल्पना, कहिंदे कल्पना कि दी गुरु नानक साहब की कल्पना है ना, कहिंदा ये तो कल्पना हैगी है, फोटो तो कल्पना होंदी है। वह कहिंदे कल्पना रावण की तो नहीं ना, कल्पना गुरु नानक साहब की है, तू गुरु नानक की कल्पना जान के ही उत्थे मत्था टेक दे तां भी तेरा भला हो जाएगा जी। ये वेखो भी कल्पना किदी कीती है, चलो मान लैने कल्पना है, जे अंदर गुरु नानक नाल प्यार है तो गुरु नानक साहब की हर चीज नाल प्यार होएगा। तो जिन्ना प्यार नाल नमस्कार करनी वह महाराज जी का जिथे सरूप ही लगा वेख लेंदे उत्थे भी नमस्कार कर देंदे, तो जिन्ना प्यार नाल नहीं करनी गुरु ग्रंथ साहब जी अगे भी नहीं करते। तो चेता रखियो जे मनो मत्था नहीं टेकन दिया गुरु ग्रंथ साहब नूं पखंड करदा तो यह भी माड़ा हैगा, जे यह भी माड़ा हैगा, पखंड कुछ भी हो सकता है वह भी माड़ा। तो जे सच्चे मनो सतगुरु जी दे कल्पना वाला सरूप वेख के नमस्कार करन दिया तो वह भी प्रवान हैगा जे। ते पखंड है लोगों नूं विखाउण लई सतगुरु नू आके नमस्कार करन दिया ते वह भी पखंड ही हैगा जे। करम धर्म पाखंड जो दिस है तिन जम जा गाती लूटै। वह कहिंदे जे तू गुरु नानक साहब दे सरूप का नहीं सत्कार करदा ते गुरु नानक का भी सत्कार नहीं करदा, सरूप ते गुरु नानक साहब का ना। जे कल्पना है ते कल्पना ते गुरु नानक साहब की है ना जी, किसी होर की थोड़ी हैगी जी, साढ़े सतगुरु की है। भाई रूपा जी कहते महाराज जिमें तुही पूजनीक तुहाडे शस्त्र भी उवें ही पूजनीक ने। श्री हरगोबिंद भगत पछाने, सुन प्रसन्न होए बाक बखाने। महाराज ने वेख्या ये भगत बंदा है, आखो वाह ये तो भगत हैगा। महाराज बड़े खुश होए ते खुश हो के ना गुरु जी ने होर बचन किते, तरहो ना तेग जो दई हमारी। महाराज कहन लगे जे साडा तेगा तू गल विच नहीं पाउणा, हां जी तौ होए रसना तेग तुम्हारी, ते फिर चिंता ना कर तेरी जी भी तेग बन जाएगी, तेरी जी भी तलवार बन जाएगी। जिसके श्राप हो बिलम ना होए, जिन्नू वचन करेगा उसे वेले पूरा होएगा, जिवें तलवार वजे ते पता लगदा ना जी, तेरी जी भी तलवार वांगू चलेगी। हाँ जी हुण गुरु साहब वास्ते केड़ी वड्डी गल है, महाराज वास्ते जंग जितना, गुरु जी तो सिखां दीआं जीभां नूं ही शस्त्र बना सकदे हैगे जी। जिन्नू कहेगा मर जाओ मर भी सकदा, तेरी जीभ च ही असर होएगा जी। प्राण अंत तत छिन ही सोए, महाराज कहन लगे भाई रूपे रूप चंद तू साडे शस्त्र दा सत्कार कीता, तेरी रसना शस्त्र बन जाएगी,
जिन्हों बचन करेगा वो मौत हो सकती उस वेले हो जाएगी केंद्र इन्नी ताकत तेरी जीभ च होएगी तह ते चतर कोस चल आए उथों चलद्या चलद्या चार को अगे महाराज गए जी चार को अगे सुंदर धरनी तह दरसाए उथे बड़ा सोहना एक पिंड सीगा जी वाहगुरु एक नग धरती सीगी जी पिंड नहीं सी अजे बनिया सोहनी धरती सीगी जी डेरा करत पाए गुण खानी महाराज गरीब नवाज जो थे टेक गए रच हो ग्राम एठा कहबानी ते महाराज भाई साधु नू ते भाई रूप चंद नू कहन लगे इत्थे पिंड बनाओ अपना जब संध्या होई तह आए हुण शाम पै गई सी उत्थे दी जदों महाराज उस धरती ते पहुंचे ना शाम पै गई सी पेंदे खान सो भट समुदाय पेंदे खान फौजां दे समेत साध संगत जी उत्थे पहुंच गया जी तहें बस कर गुर निसा बिताई महाराज फिर रात उत्थे ही रहे जी गज के आखो वाह रात उत्थे रहे जी सच्चे पातशाह जागे सकल प्रात होए आई ते अमृत वेले सारे जागे जी उथे उथे लंगर पक्के जी सब ने लंगर छके जी अमृत वेले सारे जागे जी निज कर सो गुर टक लगाए व मोहड़ा गाड़ दिए हर पाए महाराज कहन लगे भाई तुहाडा पिंड इत्थे वसाउणा है इस करके अपने हथी मोड़ी गड्डी महाराज ने जी भाई साहब तो लिखते मोड़ा कड़िया जी मोड़ा अज भी जो असी पिछे जे चार बसा इतों भर के गई सगिया जी उस पिंड उ मोड़ा सतगुरु जी के हथा का गड़िया होया अज भी हैगा जी जेड़ा महाराज ने गड़िया जी हाँ जी साधु संघ कहो यह ग्रामू महाराज भाई साधु जी नू कहन लगे हुण इत्थे पिंड बनेगा अपने नाम पर इस तामू महाराज कहिंदे भाई साधु अपने नाम ते पिंड दा नाम रख ला साधु नाम रख ला पिंड दा सुन साधु कर जोर उचारा ते भाई साधु जी ने हथ जोड़े जी हथ जोड़ के बेनती हथ वेख लो बड़े जोड़दे जी ओ क्यों अंदर प्यार हैगा जी हाँ जी ते मैं वेख्या आकड़ दे भरे हुए हाथ नहीं जोड़ते जी कई जी आप सारे जोड़िए धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हाथ जोड़ के सच्चे पातशाह जी नू भाई साधु जी कहन लगे मुझ ते मम सुत सिख उदारा सच्चे पातशाह मैं भी कदी कदी डोलदा पर मेरे नालों मेरा पुत तुहाडा ज्यादा वड्डा सिख हैगा भाई रूपा निश्चा अधिक आपके माही महाराज ओनू ज्यादा भरोसा तुहाडे विच बस हो हृदय कब बिसरत नाही कृपा करो साडे हृदय च वसो सानू कदी भुलो ना तुसी पुत्र नाम पर रखो नामू ते मेरे नाम ते ना रखो जे पिंड दा नाम रखना ते मेरे पुत दे नाम ते रख दियो सुन गुर भाखियो रूपा ग्रामू गज के आखो वाहे गुरु फिर कहो वाह महाराज कहिंदे फिर ठीक है अज तो इस पिंड दा नाम होएगा भाई रूपा ते अज भी उस पिंड दा नाम की है भाई रूपा उच्ची बोलिया करो ना केड़े केड़े हो के आए उत्थे बस गई ही जी उदों ते कई संगतां होके आईयां कई फिर नवे शरीर जुड़ जांदे ओह नहीं गए जी भाई रूपा पिंड दा नाम होएगा महाराज कहिंदे हां कहिओ बाहर अब सदन बनीजै महाराज कहिंदे हुण इत्थे घर बनाओ अपने बिदतां हैं देशन बिखै जनीजै देशां विच विदेशां दे विच इस पिंड दा नाम प्रसिद्ध हो जाएगा किन्ने देशां च कथा जान दई सब देशां च नाम ते पहुंच गया गज के आखो भाई रूपा रूपा हां जी हम भी पुन आवें इस थान महाराज कहिंदे असीं भी आवांगे पिंड बनाओ घर बनाओ असीं भी आवांगे केतक दयोस करें गुजरान कई दिन रवांगे आके इत्थे हां जी एम कह सतगुरु पे असवार ए बचन कह के गरीब नवाज सवार हो गए सने सने चल खिलत शिकार ते साध संगत जी फिर सहजे सहजे
ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਸਾਧੂ ਰੂਪ ਚੰਦ ਮਿਲ ਦੋ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਬਸਾਵਨ ਕੀਨਸ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਗੁਰ ਬਾਰ ਕਰ ਨਰਗਨ ਤਬ ਬਾਸੇ ਆਨ ਆਪਣੇ ਰਚੇ ਅਵਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੋੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦੇ 7 ਪੁੱਤ ਹੋਏ ਜੀ ਫਿਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵੰਸ਼ਜ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਥਾ ਆਏਗੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਵਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਨੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਦੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਐਂ ਲੱਕ ਸਿੱਧੇ ਕਰੋ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੋ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀਏ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।